Start. Praise God. Praise God. अभी जैसे फ्लोरी आपको समझा रही थी वचनों में, हम आपको बाइबल के हर चमत्कार, जो भी चमत्कार लिखा है बाइबल में, उसके अंदर का रहस्य को समझाने आया हूँ। एक उदाहरण लो, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, आप सब लोग कैथलिक है, बाइबल पे विश्वास करते हैं, सही है ना? सही है कि नहीं? तो मैं आया हूँ आपको साबित करने कि आपके बाइबल में जो लिखा है झूठ है। सुना क्या सिस्टर जी? अब मैं आपके खिलाफ आया हूँ और मैं अपना केस आपके सामने रख रहा हूँ और आपको साबित करना है जो आप बाइबल में सुन रहे हैं वो सत्य है, और मैं आपको साबित करके दिखा रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा झूठ है। और जब आपको पता चलेगा सत्य क्या है, तो आपके जीवन में सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए चमत्कार की ज़िंदगी होगी। ये जो माइक स्टैंड है ना, जब हमने पहला एल्बम बनाया, हमारे पास माइक स्टैंड लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस बोल रही है ना, सीडी सुन रही थी, हमारे पास इसके लिए भी पैसे नहीं थे, माइक के लिए पैसे नहीं थे, ऑर्गन के लिए पैसे नहीं थे, कंप्यूटर के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन हमने गीत की एक सीडी बनाई, सब मांग मांग कर लाया। जब ये माइक पकड़ा था और माइक स्टैंड पे माइक नहीं रख पाया, तो जो रिकॉर्डिंग कर रहा था वो बार बार बोल रहा था कट कट, तो हम बहुत रोए। हमने प्रभु को ये भी बोला, प्रभु जी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमको करना है, आपने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी है, गंदगी ज़िंदगी से निकाल कर अच्छी ज़िंदगी दी, रास्ते पे था, रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए रोटी दी, हमको आपके लिए कुछ करना है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, मैं वहाँ से आया हूँ। अब प्रभु ने जो मुझे सिखाया वो रहस्य मैं सिखाना चाहता हूँ जाने के पहले, ताकि मैं गया वो रहस्य आप सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, आपकी भी भलाई होगी। ये बिटिया को जब हमने देखा वो डिप्रेशन में थी, हम भी डिप्रेशन में थे, वो बार बार सोचती थी आत्महत्या करना है। अब वही बिटिया अलग अलग जगह पे जाती है, प्रवचन करती है, लोगों की ज़िंदगी बदलती है। तेरा पकड़ क्या है? एटी 80,000 की पगार में नौकरी करती है, मकान बेचती है, मकान का दाम है कम से कम 8 से 10 करोड़ का मकान बेचती है। अब उसको देखे तो लगता है क्या? तो आज जो हम सीख रहे हैं ये आज की रिट्रीट नहीं है, आपकी ज़िंदगी की रिट्रीट है। जो मार्ग पे चलेगा सफलता पाएगा, उसके विरुद्ध चलेगा तो ये जो बिजली है ना कैसा शॉक देके मार देता है, ऐसे ही ये संसार का नियम आपको तड़पा तड़पा कर मार देगा। मुझे तो मारने पे बहुत नज़दीक तो पहुँच गया, लेकिन उस औरत ने मेरे घर पे आकर जो मुझे वचन सुनाने के लिए ले गई, उस औरत के द्वारा हमारा भविष्य बदल गया। और इसीलिए 365 दिन हम छुट्टी नहीं मनाते, 365 दिन हम काम में लगे रहते हैं, क्योंकि किसी ना किसी की ज़िंदगी बदलती है। प्रेज गॉड। चलिए अभी खोलिए मार्क 5 वचन नंबर 21। अरुणाचल प्रदेश के पूरे वासियों, आप एक तरफ, मैं अकेला इस तरफ, और मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो बाइबल में जो ये सिस्टम पढ़ रही है सबसे बड़ा झूठ है, और आपको साबित करना है कि जो बाइबल में पढ़ रही है
सत्य है, सही है ना। चलो देखेंगे, पढ़िए 5:21, 21। हेरोद के जन्म दिवस। अरे मार्क मार्क क्या पढ़ रही है आप? मार्क मार्क में जब ईसा जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे। एक मिनट, ये जो ब्रदर लोग हैं ना, मैं तो आपसे बात करना चाहता हूँ। आप फादर तो जरूर बन सकते हैं, दो प्रकार के फादर होते हैं, एक जो अभिषेक से भरा हुआ है, अधिकार से चलता है, जहाँ पर शैतान भागता है, बीमारी भागती है, लोगों के जीवन में बदलाव होता है। दूसरा फादर होता है प्रवचन करता है, कुछ नहीं होता है। आपको फैसला करना है आपको कौन सा फादर बनना है। अगर अभी आप ट्रेनिंग में मुंह नहीं खोलेंगे, बाद में क्या खोलेंगे? अगर कोई आज्ञा दिया है, उस आज्ञा का पालन नहीं होगा तो आगे कुछ होगा ट्रेनिंग में? ब्रदर जी कुछ होगा? कोई बात नहीं, जिसको हिंदी नहीं समझ में आता ना, शाम को ये रिट्रीट खत्म होने के बाद हम उनके साथ बैठेंगे, जाएंगे नहीं सिखा कर जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर हमारा हृदय में एक है। वो जो क्रूस पे मरा ना, हमारे लिए खून बहाया है, हमारे लिए सब कुछ खरीदा है उन्होंने। लेकिन जब तक हमको मालूम नहीं, हमारे को शैतान रोज पेटक पटक कर मारता है। हमारे खानदान में आप इधर बैठे हैं, आपके घर में कैसा है वातावरण? आपके परिवार में कैसा है? जबकि हम वारिसदार हैं स्वर्ग के, लेकिन जीते हैं टूटे हुए जिंदगी। क्या ऐसी जिंदगी जीना है? क्या बदलना है? इसीलिए मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये जो पढ़ रही है ना अभी सिस्टर, ये झूठ है। मैं बोलता हूं आपको साबित करना है ये सच है, और फिर मैं बताऊंगा इसके अंदर का रहस्य क्या है जिससे ये चमत्कार हुआ है। हम बाइबल में तो पढ़ते हैं ये तो चमत्कार हो गया है। अरे चमत्कार हुआ है तो मेरे जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा है? अब वो बिटिया बोल रही है मैं इतना प्रार्थना कर रही है कुछ नहीं हो रहा है, इतने साल मैं प्रार्थना कर रही हूँ, घुटने टेक रहा हूँ, सर टेक रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अरे कुछ तो रहस्य रहना है। अगर इलेक्ट्रिशियन है वो बराबर वायर करता है, वायरिंग करता है तो लाइट जलती है, अगर उसका वायरिंग सही नहीं है तो फटाखा जैसा फ्यूज फोड़ देता है ना, है कि नहीं? ऐसे ही हमारे जिंदगी में फ्यूज उड़ा हुआ है। यही सीखना है, सीखना है कि नहीं सीखना? अच्छा आप अगर सोचते हो फादर ने हमको बुलाया, हम पैसा लेने आए, नहीं आए, कुछ लेने नहीं आए, लेकिन हमको जो मुफ्त में मिला है वो आपको देने आए हैं। आपकी मर्जी है, आपको सीखना है तो आपकी भलाई होगी। आपके परिवार में जो रो रहे हैं उनके जाके आंसू आप पोंछ सकते हैं, आजू बाजू के आंसू पोंछ सकते हैं। हम तो लफड़ेबाज है यार, पहले से हम लफड़ाई किया हुआ है। हम जब आते थे जिधर सुख शांति है उधर लफड़ा होता था, लेकिन जब से हमको ये प्रभु ने सिखाया जिधर लफड़ा है उधर मैं पोंछता हूँ। क्यों? हमको ऐसा हथियार दिया है जो शैतान का लफड़ा है उसको हम मिटा सकते हैं, जो शैतान का श्राप लगा है जिंदगी में उस श्राप को हम मिटा सकते हैं। पढ़िए सिस्टर जी, बैठ के पढ़िए, कोई बात नहीं। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। पढ़ती जाइए। उस समय
उस समय सभागृह का जेरुस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वो उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुज्ञा विनय करता रहा मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए। अगर आपके घर में कोई ऐसा परिवार का कोई है जो मरने पर है, छोटी बच्ची है, छोटा बेटा है, बीमार है, मरने पर है, डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर किया है, क्या हालत होता है? यही प्रभु हमको सिखाना चाहता है। फिर और जीवित रह सके, ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो गई और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री, अभी सुनिए, यहाँ से हमारी स्टोरी चालू होती है। मैं बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, ये कहानी जो लिखा है ये झूठ है और आपको साबित करना है कि ये क्या है, सत्य है। चलो पढ़िए। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्त सब्र से पीड़ित थी। कितने 12 दिनों से, 12 हफ्तों से, 12 महीनों से, 12 साल से। सच्ची में लिखा है, फिर बदली नहीं करना, लिखा है, सबने मान लिया है। 12 दिन लिखा है कि 12 पक्का? ये तो सबसे बड़ा झूठ है। पढ़िए, आगे पढ़िए, आप ही ने बोला 12 साल है ना, बताता हूँ क्या झूठ है। पढ़िए। अने फ्लोरी, जस्ट टेक द माइक एंड रीड इट प्लीज सिस्टर। नो 25 कौन सा रोग था? रक्त बहने का रोग था। और जिसने बहुत महीनों से, क्या हुआ, डूस हो गया क्या? किसी का आवाज ही नहीं आ रहा। बीमारी तो उसको हो गई थी। पढ़िए। बहुत महीनों से बड़ा क्या हो गई? और भी रोगी। सिस्टर जी क्या हुआ, लिखा क्या है? और भी रोगी हो गई थी। वैद्य के पास गई थी, पैसा खर्चा किया, ठीक हो गई? नहीं। 12 साल और भी बीमार होती गई। फिर यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु को देखकर क्या हुआ? यीशु को देखकर, चर्चा सुनकर कि यीशु को देखकर? आपने यीशु को देखा है क्या रक्त और मांस में?
नहीं, लेकिन हमने आत्मा में देखा है। हाँ, क्या यीशु के बारे में सुना है? जी। विश्वास कैसे आता है? वचन को सुनकर और सुनकर मनन करते हुए विश्वास आता है। तो इस स्त्री ने यीशु को देखा नहीं, लेकिन इसके बारे में सुना है। फिर क्या हुआ? हे, ये सबसे बड़ा झूठ, ये तो महा झूठ। भीड़ से पीछे से, नीचे नहीं लिखा, पीछे लिखा है, नीचे लिखा है, पीछे से घुसकर आई। आपके अरुणाचल प्रदेश में तो लोग बहुत कम है, हमारा मुंबई के ट्रेन में घुस के दिखाओ। आपके लोग हैं ना यहाँ के, बम्बई के ट्रेन में घुस के दिखाओ, खड़े रहेंगे वहीं पे। जो आगे वाला है वो पीछे वाले को घुसने देता है। तो यहाँ पे लिखा है ये पीछे से घुस गई भीड़ में से और जाके यीशु के वृक्ष को छू लिया। पढ़िए पढ़िए वापस। भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। फिर क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ठीक है। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलता है ये स्टोरी झूठ है। सबसे पहले सुनिए, इस स्त्री को 12 दिन की बीमारी थी। हाँ, अगर 12 साल सच है तो 12 साल में इसका कितना लहू निकल गया? अरे, खड़ी होने के लिए ताकत रहेगा क्या? आज तो सलाइन चढ़ाएंगे, टॉनिक देंगे, सब कुछ देंगे, उन दिनों में था क्या? नहीं। तो ये खड़ी रह सकती है? नहीं। तो ये जो खड़ी नहीं हो सकती है, ये चल सकती है? नहीं। फादर आनंद तो इधर है, किसी को ढूंढना है बोलेगा इधर है, फादर आनंद का ऑफिस है, आप इधर आ जाओ। यीशु का किधर था? कभी पहाड़ पर, कभी समुंदर के किनारे पे, कभी इधर कभी उधर। तो इनको प्रभु का एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा किधर है? अच्छा, अभी बताइए किधर है, किधर है? प्रभु बोलता है जहाँ पे दो तीन खड़े होते हैं मेरे नाम से, मैं आपके साथ हूँ। शायद नहीं, जो लिखा है वचन में शायद कभी नहीं हो सकता है। वचन में जो लिखा है वो कभी शायद इस्तेमाल करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी चमत्कार नहीं हो सकता है। क्योंकि जेम्स में लिखा है जो व्यक्ति शक करता है उस ये नहीं सोचे कि उसके प्रार्थना में उसे कुछ भी मिले। इसीलिए तो लफड़ा हो रहा है। देखिए, प्रभु के राज में ना आपकी आईडी से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। आप फादर हो, सिस्टर हो, प्रीचर हो, कोई भी हो, पूरा न्यू टेस्टमेंट काम करता है विश्वास पर। और विश्वास अगर तीन पे है तो अवश्य कुछ नहीं होगा। अगर विश्वास आपका 700 पे है, जब मैं देता हूँ, प्रभु का वचन बोलता है, जब मैं देता हूँ मुझे वापस दिया जाता है, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उबलता हुआ गोदी में डाला जाता है। हमारे 25 साल हो गए, 25 साल हम अलग अलग देश में प्रवचन कर रहे हैं, हम बड़ापन कर रहे हैं प्रभु के वचनों का, हमारा नहीं। 25 साल में हमने कभी लव ऑफरिंग लिया नहीं, ना तो कलेक्शन लिया है 25 साल में, बक्सा भी नहीं रखा है। क्यों? ये जो वचन है ना कभी टूट नहीं सकता है। इस वचन पर स्वर्ग के पिता ने शपथ खाई है। हमारे कंट्री में भी शपथ होता है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है।
लेकिन जो स्वर्ग राज में जो यीशु ने शपथ खाई है, जो उन्होंने वादे दिए हैं, वो कभी तोड़ता नहीं है। लफड़ा उनका नहीं है, लफड़ा हमारा है। शक करेगा कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए हम कॉन्फिडेंस से प्रवचन करते हैं, क्योंकि ये जो वचन में जो लिखा है वैसा ही होता है उन लोगों के लिए जो विश्वास करता है। और विश्वास किस पे? जो दिखाई देता है उस पर नहीं, जो दिखाई देता है उस पर जो विश्वास करता है उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि जो हिंदू है मुस्लिम है वो भी विश्वास करता है जो दिखता है उस पर। विश्वासी वो है जो वचन को देखता है और उस वचन के अनुसार अपना जीवन चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये स्त्री, मैं बोल रहा हूँ, बीमार है, पैसे खर्चा किया, चल नहीं सकती है, कमज़ोर है, और अब ये बोल रहा है कि ये भीड़ से घुस गई। ये सच्चा है भाई? जिसने मेरे जैसा चश्मा पहना है सच है? सच है। आइए, प्रेज गॉड। अभी इसमें और एक नियम है कि ये स्त्री जो है किसी को छू नहीं सकती है, ना किसी से मदद मांग सकती है। क्यों? क्योंकि नियम ये बोलता है जिसको रक्त की बीमारी है वो अछूत है। अगर वो किसी को छूती है वो व्यक्ति अछूत होता है, और अगर वो स्त्री बाहर निकलती है और किसी को पता चलता है कि इसको रक्त की बीमारी है, अछूत है, इसको पत्थर से मार दिया जाता है। अगर आप वो स्त्री है, मान लो उदाहरण, क्या आप बाहर निकलेंगे? निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। छुएंगे तो आपको? लोगों को नहीं, लेकिन कपड़े तो जरूर छुएंगे। तो कपड़ों को छूने से अछूत नहीं होता है? कभी ट्राई नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, ट्राई नहीं किया नहीं, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार कपड़ों को छूने से भी वो अछूत होता है। और लोगों को जब पता चलता है कि इसको रक्त की बीमारी है, उसको पत्थरों से मौत दिया जाता है। हम तो बहुत यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में यह हकीकत में हो रहा है वही जानता है कि 12 साल की बीमारी जब छोड़ नहीं रही है तब उसके अंदर विश्वास भी टूट जाता है। सही है। अब ये बताइए, मुझे सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ये कमज़ोर औरत भीड़ से घुस सकती है, ऐसा लगता है चलो मेरा कोई तू भी साथ देगा, आजा भाई आजा, साथ देगा ना, माइक रख के आजा, माइक रख दे बाजू बाजू में, बाजू में रख दे, कुर्सी पे रख दे, फ्लोरी जरा इसको पीछे हटा देना, दोनों दोस्त लोग हैं ना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसलिए बुलाया क्योंकि हमको प्रूव करना है, थोड़ा और पीछे लेना, आजा भाई इस साइड आजा। मान लो हम दोनों भीड़ में हैं, आप वो स्त्री है, आपको हमारे बीच में से घुसना है, तो आप पीछे रहिए, और आपको हम दोनों के बीच में से घुसना है, भीड़ है ठीक है, और इस भीड़ से जाकर यीशु को छूना है, कोशिश करके देख लेना। हटना नहीं, क्या हो गया? देखिए और एक बात बोलता था हूँ, ऐसा करने से भीड़ में उस औरत को फटके गिरेंगे कि नहीं, लोग मारेंगे कि नहीं? तो हमको ऐसे भी घुसना है जहाँ पर लोग हमारे पर अटैक नहीं करेंगे,
अगर आप बस के लिए रुके हैं ऐसे घुसेंगे तो क्या करेंगे, जो आगे है उठा के पीट डालेंगे, सही है ना। तो मैंने ये क्यों बताया, देखिए जरा पीछे जाइए, आसान है क्या? और ये तो हम दोनों हैं, पूरी भीड़ लगी है, और ये किसी को छू भी नहीं सकती है। अगर ये छूती है, अछूत है, और किसी को पता चलता है तो उसकी पत्थरों से मौत भी होती है। देखिए आप उसको देख के बोल रहे हैं औरत कभी हो गई, वो बात बराबर नहीं है, हम ये सिखाना चाहते हैं। आप आ जाइए, आइए आइए, ये हंस रही है आप पे, इधर खड़े रहो, आ जा, ये हंस रही है आप पे, आ जाओ, ये हंस रही है आप पे, देखेंगे ये कैसी धक्का मारते, आ जा, अरे आना पीछे, हाँ मार धक्का, हो गया। वहाँ से बैठ के हंसने में बहुत मज़ा आता है। सिस्टर जी आप आके कोशिश कीजिए, देखो तैयार हो गई सिस्टर, स्ट्रांग है, संभालना। अयो क्या हुआ सिस्टर जी? नहीं सका ना, यही हम साबित करना चाहते हैं। अब बताइए, आप लोग ने सबको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा, ये कहानी सच्ची है कि झूठ है? सच है, आजा घुस के बता। हाँ एक डाउट है, बताओ। शायद लोगों को पता नहीं हो कि वो बीमार है। लोगों को पता ही नहीं है, नहीं अगर हो नई जगह हो, नई जगह हो, हाँ कहीं पे जा सकते हैं ना, बीच पे हो सकता है, तो वो गया, वो लोगों को उनकी बीमारी के बारे में नहीं पता है, सही है, तो शायद हो सकता है वो एक्सक्यूज मी बोल के, हाँ एक्सक्यूज मी बोल के। एक मिनट, बहुत अच्छा है। आप ट्रेन के लिए टिकट पे खड़े हैं, किसी को एक्सक्यूज मी बोलो, वो दिखाते हैं कौन सा एक्सक्यूज। अरे जब टिकट के लिए लाइन में आगे नहीं घुसने देता है, ये लोग सब अपने अपने चमत्कार लेने आए, टाइम पास करने नहीं आए। जीसस जिधर जाते थे भीड़ लगी रहती थी, क्यों? सबको अपना अपना चमत्कार की जरूरत है, और जब उनको जरूरत है आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, ए भाई एक्सक्यूज मी ऑल्सो स्टैंड बिहाइंड। अभी ताली बजाना, मैं यहाँ पर आपको उंगली दिखाने नहीं आया हूँ, यहाँ पर हम लोगों को सीखना है, रहस्य को जानना है। ये क्या रहस्य है कि ये औरत पूरी भीड़ में जा पाई, प्रभु को छू पाई और वो चंगी हो गई, जबकि पूरे भीड़ प्रभु को छू रहे थे लेकिन फिर भी चंगे नहीं हुए, यहाँ तक कि शिष्यों के शरीर में भी प्रभु यीशु का पावर नहीं गया। ये ऐसी क्या खूबी थी इस औरत में जिसके द्वारा प्रभु का पूरा पावर ही डाउनलोड हो गया। प्रभु बता रहे मेरा पावर किधर गया, बाकी इतनी भीड़ छू रही है, कोई ऐसा पकड़ भी रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा भाई अच्छा है ना, हम लोग सब सीख रहे हैं ना भाई, सीखने में तो कोई तकलीफ नहीं है ना। अभी तुम्हारा पूरा विश्वास से घुस के बता, अच्छा पूरा विश्वास लगा ना, छोड़ थोड़ा भी छोड़ना नहीं, आजा पीछे जा, पीछे घुस के बता। चलो भाई एक मिनट, इसके बाइबल में क्या लिखा है, आगे से आई कि पीछे से आई? पीछे से। हाँ तो तेरे बाइबल में क्या लिखा है? हाँ तो पीछे से आ जा, आ जा यहाँ से, वो पीछे से भीड़ के अंदर से घुस कर आई। आ जा भाई, विश्वास लगा ना विश्वास, हिंदी नहीं समझता है। अंदर अंदर हम दोनों हैं, from here. हम दोनों भीड़ है यार, हमारे बीच में से आ जा। हाँ उसको वाइट टी शर्ट वाले को भी बुला, वो तेरे को सलाह दे रहा है, आ जा तू भी आ जा। हाँ उसको सलाह दे रहा ना, अरे एक काम कर, तू सलाह मत दे, तू ही आ जा। पकड़े टाइट पकड़ के रखना। उस समय वो लोग
उस समय हाथ नहीं था। अरे उस समय दो जन नहीं थे, पूरी पूरी की पूरी भीड़ इतनी थी कि पूरा समुंदर के किनारे पे लोग बैठते थे, कम से कम 8-10 हज़ार लोग हैं, उसमें से घुस सकता है क्या? हम तो खाली आपको डेमो दे रहे हैं दो आदमी के, 8-10 हज़ार लोग अगर यीशु के पीछे जा रहे हैं उसमें से घुस सकते हैं क्या? वही रस्सी हमको सिखाना है। हम तो ये दो जन हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये लोग बोल रहे हैं जहाँ पर भीड़ लगी है 8-10 हज़ार लोग, क्या उसमें से घुस सकता है? हाँ पूछो। स्पीक इन इंग्लिश। आई हैव वन डाउट, ओके, सी नोबडी नोज दैट दिस लेडी हैज अ सिकनेस। यस। सो व्हेन शी ट्राइज टू एंटर इनसाइड शी माइट टच समबडी फ्रॉम बिहाइंड। यस करेक्ट। एंड आफ्टर सीइंग दैट दिस लेडी हैज अ सिकनेस पीपल मे मूव असाइड। अच्छा, इन व्हिच वर्ल्ड आर यू लिविंग? इवन इन द चर्च दे घुसिंग, नोबडी इज गिविंग एनी साइंस। Even in the church, you know, church people also ghusing. Nobody giving chance. Correct? Yeah. But that lady has a sickness which she can, if... Okay, the bleeding problem can be seen? Maybe. Can be. Maybe, if a woman has got a every month bleeding problem, she is bleeding continuously. It cannot be seen. It's internal bleeding. Yeah. So she is so weak. Okay? She can't see, she can't say, excuse me, she can't say, I've got this sickness, they'll stone her to death. And the Israelites, when it is a law, they would catch a person and stone them to death merciless. So, how will this woman pass through? ये जो भाई बोल रहा है, शायद उसकी बीमारी को देख कर लोग बोखा दे रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु के पीछे जो आ रहे थे सबके सब ज़्यादातर रोगी थे, सब अपनी अपनी बीमारी को चंगा करने आए थे। अब इस बिठिया ने जो भी इस पढ़ाया आपको उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, ना उसके बारे में किसी ने सलाह दी। उस बिठिया ने क्या बोला? मेरे पास हथियार है और मेरा हथियार क्या है? मेरे जबान से आया हुआ शब्द। उस बिटिया ने कहा मैं फेलियर थी, मेरे अंदर बहुत सारी बीमारी थी, आत्महत्या करने की बीमारी थी, डर की बीमारी थी, सब था। मैंने उस वचन को लिया और उस वचन को दिन रात बोलते गई। मुझे ही पता नहीं चला कैसे पवित्र आत्मा ने ये कार्य किया कि मेरे अंदर का सारा बीमारी निकल गई। अब उस वचन में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वो खुद से कहने लगी। लिखा है, जरा पढ़िए, लिखा है कि नहीं? वो खुद से कहने लगी, जो जो उसने सुना था वही कहने लगी। पढ़िए, यीशु की चर्चा सुनकर। हाँ, यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, भीड़ से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हाँ, क्योंकि वह कहती थी, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब उसको जब भीड़ दिखता है, क्या वो ऐसी बोल रही है इतनी बड़ी भीड़ है मैं जाऊंगी कैसे? हम क्या बोलते हैं जब हमारे सामने कोई समस्या आती है? हम क्या बोलते हैं? यीशु के बारे में जो सुना था वो बोलते हैं कि हमको जो दिखता है वो बोलते हैं? देखिए, आज इसने एक प्रश्न पूछा आपको, आपने तो खाना खाया, उसको कैसे पचाते किसी को मालूम है? नहीं। लेकिन हमारा डिज़ाइन ऐसा बना है ईश्वर ने, हम बैठे हैं लेकिन उस खाना को पचाकर उस खाना को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, सही है? इसी तरह हमारे मुंह से शब्द तो निकलता है, लेकिन दो मार्ग है निकलने का, एक हृदय का और एक मन का। मुझे कैसे पता चलता है कि ये मन से निकला है कि हृदय से निकला है? अगर मन से निकला है तो कोई पावर नहीं है, अगर हृदय से निकला है तो चमत्कार अवश्य होता है। दोनों में फर्क क्या है?
अभी ये बात कर रही है, मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये शब्द मेरे मन से निकल रहा है या मेरे हृदय से निकल रहा है? अगर हृदय से निकल रहा है चमत्कार होता है, मन से निकलता है कुछ नहीं होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, यही जानना रिट्रीट है। क्योंकि हम आपको जानकारी देके जाएंगे, सिर्फ जानकारी देकर नहीं, लेकिन आप जब इस्तेमाल करोगे आपके खुद के ज़िंदगी में, आपके माता पिता घर पे हैं, आपका परिवार घर में है, अब यहाँ से शब्द बोल सकते हैं। और अगर वो शब्द हृदय से निकलता है अवश्य आपके परिवार में कार्य करता है। जो कुछ भी मुझे मेरे पांच इंद्रियों से महसूस होता है और मैं वो शब्द बोलता हूँ, मेरे मुँह से बोलता हूँ, जो कुछ भी मैं शब्द को पढ़ता हूँ बाइबल में से, वो है सच्चाई। प्रभु ने ये नहीं कहा कि हकीकत तुम्हें मुक्ति देता है, प्रीचर तुम्हें मुक्ति देता है, प्रार्थना तुम्हें मुक्ति देता है, उन्होंने कहा है सत्य तुम्हें मुक्ति देता है। जब जब हम वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका नियम समझते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग मिलता है, उसका प्रिंसिपल समझते हैं, तब वो शब्द हमारे हृदय से आता है, विश्वास से भर के आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही मुंह से होता है, प्रभु यीशु के घावों से मैं चंगा हो गया, यहाँ से ही आता है। मन से भी आ सकता है और हृदय से भी आ सकता है। जब मन से आता है चिंता होती है, डाउट होता है, अशांति होती है, आराम नहीं होता है, लेकिन जब हृदय से आता है विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, डगमगाता नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है जो प्रभु ने कहा है वैसा ही मेरी ज़िंदगी में अवश्य होता है। अभी स्त्री ने ऐसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या किया, उधर लिखा है वो दिन भर बोलते गई, अगर मैं उनको छू लूँगी, उनके कपड़ों को छू लूँगी, मैं चंगी हो जाऊँगी। एक प्रश्न है, जिस व्यक्ति को 12 साल की एक्सपीरियंस है बीमारी की, एक बार सिर्फ सुना, कितने बार, एक बार यीशु की चर्चा उसने एक ही बार सुना, बार बार नहीं सुना, किसी ने आके उसको सुनाया एक ही बार, वो चला गया। अब प्रभु हमको सिखाता है, जैसे किसान अनाज उगाता है, इधर क्या उगाता है तुम लोग, चावल, चावल, जैसे किसान चावल उगाता है वैसा ही विश्वासी अपने हृदय में विश्वास उगाता है। कैसे उगाता है, अपने ओटों से बोलता है जो उसने सुना है और अपने कानों से सुनता है, और जितना वो सुनता है उतना उसके अंदर विश्वास हृदय में बढ़ता है। एक उदाहरण देता हूँ, अगर एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास, ये डॉक्टर है, मैं गया डॉक्टर के पास, और ये लैब टेस्ट वाला है, बुरा नहीं मानना, तेरा थोड़ा बुरा ही होगा लेकिन बुरा नहीं मानना, ये लैब टेस्ट वाला है, ठीक है, हम दोनों का ब्लड टेस्ट हो गया, मेरा रिपोर्ट उसके पास गया, उसका रिपोर्ट मेरे पास आया, तो इसने उधर लफड़ा कर दिया, लेकिन नाम मेरा है, रिपोर्ट उसका है, इसके पास उसका नाम है लेकिन रिपोर्ट मेरा है, ये डॉक्टर है। तो मैं रिपोर्ट लेके गया और वो भी रिपोर्ट लेके गया, इसको बोला तेरे को कैंसर है, लेकिन कैंसर इसको है नहीं, लेकिन डॉक्टर ने बोला तुमको कैंसर है, थर्ड स्टेज का है। अब ये लफड़ा किसने किया, डॉक्टर ने किया कि इसने किया, लैब वाले ने। अभी हकीकत में इसको कैंसर है नहीं है, जैसे इसने बोला कैंसर है ये क्या करेगा, बहुत जोर से नाचेगा, क्यों, डर से नहीं, घर पे वापस जल्दी आना है ना स्वर्ग, नाचेगा नाचेगा कि डरेगा। अब ये समाचार अपने माता पिता को सुनाएगा,
वो लोग ने भी सुना, अब पूरा परिवार परेशान, क्या इसको हकीकत में कैंसर है? तो एक हफ्ते के बाद इसकी हालत कैसी रहेगी? सेम रहेगी कि बदल जाएगी? डॉक्टर आपने एक ही बार बोला, बराबर है, आपने एक बार बोला कि आप इसके साथ जा रहे हैं रास्ते पे? नहीं। क्या डॉक्टर का शब्द जा रहा है? जा रहा है। क्या डॉक्टर का शब्द इससे बात कर रहा है? कर रहा है। रात को नींद आ रहा है? नहीं आ रहा है, डॉक्टर का शब्द बात कर रहा है। इसी तरह जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, आप बाइबल का वचन को ग्रहण करता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ और वही शब्द अभी मेरे से बात करता है, तो किसान के जैसे हम लोग विश्वास को उगाते हैं। जैसे एक वही लकड़ी से दरवाज़ा बना है, खिड़की बनी है, कबर्ड बना है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल क्या है? लकड़ी। इसी तरह जब हम विश्वास को बढ़ाते हैं, उसी विश्वास से हम बीमारी पर हर जय पा सकते हैं, ज़िंदगी में जो भी मुसीबत है उस पर जय पा सकते हैं, सब पर जय पा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास विश्वास है ही नहीं तो मैं कहाँ से बात करूँगा? मन से बोलूँगा मैं प्रभु यीशु के घाव से मैं चंगा हो गया हूँ, लेकिन पूरा दिन चिंता करते रहूँगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्त्री ने क्या किया? उसने एक ही बार प्रवचन सुना, किसी ने आके उसे बताया, वो व्यक्ति चले गया, लेकिन उस व्यक्ति ने उसके पास एक बीज छोड़ा कि ये जो मनुष्य है यीशु, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, बोला होगा, अरे अंधे ठीक होते हैं, लूले ठीक होते हैं, यहाँ तक मैंने ये भी देखा कोई मरा हुआ मुर्दा भी ठीक हो गया है। अब उस औरत के अंदर क्या आता है? विश्वास। इस भाई को ये डॉक्टर के रिपोर्ट से क्या आता है? विश्वास आता है कि डर आता है? जैसे उसने बोला तेरा लास्ट स्टेज है, तो क्या आनंद होगा कि दुख होगा? तो जब मैं खबर सुनता हूँ हकीकत के, मेरे अंदर डर आता है, लेकिन जब मैं बाइबल खोलता हूँ और बाइबल में जितने प्रभु यीशु ने कार्य किया है उसके वचन में सुनता हूँ, तो मेरे अंदर आता है विश्वास और शांति। अब ये स्त्री कैसी निकली? चलो दोनों खड़े हो जाओ, भाई आप पीछे खड़े हो जाओ, अभी मैं उदाहरण दिखाता हूँ। ये भाई को धक्का मारने की भी जरूरत नहीं, कुछ धक्का नहीं है। हमने सबसे पहले आज क्या पढ़ा? उत्पत्ति में पृथ्वी पर अंधकार था, बेडोल थी, सुनसान थी, और ईश्वर ने क्या कहा? प्रकाश हो, और प्रकाश हुआ। पवित्र आत्मा ने कब कार्य किया? जब शब्द बोला। इस औरत को इस भीड़ में घुसने के समय ये औरत ने क्या बात किया? इतनी बड़ी भीड़ है, मैं कैसे जाऊंगी? मैं कमज़ोर हूँ, मेरा साथ कौन देगा, मैं टूटी हुई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उसने वही बोला जो उसने सुना, मैं प्रभु यीशु के वस्त्र को छू लूँगी और मैं चंगी हो जाऊँगी। ये वो विश्वास से शब्द बोल रही है। क्या वो शब्द दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा उस शब्द पर कार्य करता है। पवित्र आत्मा जब हम विश्वास के शब्द बोलते हैं कार्य अवश्य करता है। उसी तरह विश्वास के शब्द के बगैर जब हम डर के शब्द बोलते हैं तब दुष्ट आत्मा भी कार्य करता है। अब ऐसे समय पर हमारी ट्रेनिंग कौन सी है? विश्वास की कि डर की? विश्वास। सच्ची मुसीबत आती है तभी बाइबल में से वचन बोलता है, बोलना। चिंता होता है तभी बाइबल में से वचन बोलता है, कभी कभी, कभी कभी ना, बाकी के दिन क्या बोलता है? तो हमारे जीवन में क्या पवित्र आत्मा कार्य करेगा कि दुष्ट आत्मा कार्य करेगा? आप भले कैथलिक हो या कोई भी टाइटल लेके घूमो, आपके मुंह से जो शब्द निकलता है वही शब्द फैसला करता है आपका भविष्य। कोई भी हो, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा पेड़ का अगर पहचान करना है पत्तों को देखकर नहीं,
फल को देखकर, और फल उगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत। तो अब ये व्यक्ति पीछे जो है वो बार बार बोल रहा है प्रभु यीशु के रस को मैं छू लूँगी और मैं चंगा हो जाऊँगा, बराबर है? जरा बोलना भाई, ऊपर बोलना, प्रभु यीशु के वस्त्र में छूऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। अभी हम दोनों को अलग करने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का। तो अब ये अलग हो गया, यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। जब हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, जब हमने बाइबल का नियम को सीखा, सत्य को सीखा, 2 साल के अंदर हम भिखारी से प्रभु ने हमको निकाला और यह सत्य सिखाया। और जब ये सत्य सिखाया, हमने कसम खाया कि प्रभु आप मुझे सत्य सिखाइए, मैं गली गली में जाकर सिखाऊंगा जो आपने मुझे सिखाया है। ये रहस्य को अपने पास छुपा के नहीं रखूंगा, लेकिन लोगों को सिखाएगा। क्योंकि ये रहस्य जब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गुनेगार हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो ड्रग एडिक हो, चाहे वो वेश्या हो, चाहे वो क्या बोलते हो छक्का हिजड़ा, हमारी मिनिस्ट्री हिजड़ों के साथ भी है, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा सबसे प्रेम करता है। पॉकेट मार वाले के साथ भी है, वो लोग ने भी अपना धंधा बंद कर दिया है। ड्रग वाले के साथ है, अल्कोहल वाले के साथ है, क्योंकि जब हमने रहस्य सीखा, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को यीशु उसको उस पर कुर्बान हो गए। अब आप बताइए, आज अगर आपने 100 शब्द बोले, कितने 100 में से कितने शब्द अपने विश्वास से बोले जो हकीकत को अटैक कर रहे हैं वचन के द्वारा? हम लोगों को पट्टी मार मार के स्कूल में सिखाया जाता है, कॉलेज में सिखाया जाता है, नौकरी में सिखाया जाता है, वही बोलना है जो दिखता है। और जो बाइबल में एक्सपर्ट है, जो आत्मा में एक्सपर्ट है, जो चमत्कार देखता है, उसके आंखों से दिखता है, लेकिन वो बोलता नहीं है, वो बोलता है उन चीज़ों को जो वचन में लिखा है। आप जीतेंगे कि हारेंगे इसका फैसला होता है जब आप मुँह खोलते हो। कैसे पता चलता है ये व्यक्ति आगे जाने वाला है कि ये डूबने वाला है? जैसे उसने शब्द मुंह खोल के शब्द बोला, उसी से पता चलता है इसका भविष्य क्या है। क्योंकि वो नियम है बाइबल में, ये नियम है, तुम्हारे ही मुंह में है जीवित और तुम्हारे मुंह में है मृत्यु। जैसे ही स्त्री ने छुआ, पावर उसके अंदर गया। पावर शिष्य के अंदर क्यों नहीं गया? वो तो प्रभु के शिष्य थे ना, उनके अंदर क्यों नहीं गया? वो तो बॉडीगार्ड के जैसे थे, जिधर यीशु जाते थे उधर खड़े रहते थे, नहीं तो उनके अंदर क्यों नहीं गया? जरूरी नहीं समझा। नियम है, जो मुंह खोलकर बोलता है विश्वास से, उसी के अंदर घुसता है पावर, सबके अंदर नहीं जाता है। ये जो वायर है ना, इसमें गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर है, मेरे को नहीं मालूम हिंदी में क्या बोलता है। इसके अंदर तार है और ऊपर से रबर है, इसको कितना भी मैं पकड़ूंगा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसको छील लूँगा और इस तार को छू लूँगा और अगर इसके अंदर करंट है तो तुरंत मुझे शॉक लगेगा। उसी तरह हम सब बैठे हैं ना, सब लोग बैठे हैं ना, इसमें फैसला होता है आपका। आप गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, यीशु नहीं फैसला करता है, शैतान नहीं फैसला करता है, आप खुद करते हो। कैसे? जिस तरह इस स्त्री ने समस्या को देखा, महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, अभी भी दर्द में है, लेकिन वो क्या बोलती है? अगर मैं उसके रस को छू लूँगी मैं चंगी हो जाऊँगी। हकीकत को देखते हुए भी वो वही बोल रही है जो उसने यीशु के बारे में सुना। रिट्रीट 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, आप भी घर जाएंगे, हम भी घर जाएंगे, लेकिन जिसके अंदर वो बीज पड़ा है हृदय में,
उसी के अंदर फसल आता है, सबके पास नहीं आता है। फिर आप बोलेंगे प्रभु ने इसको बहुत माला माल बनाया, मेरे को माला माल नहीं बनाया। सबसे बड़ा झूठ है, वचन तो सबको दिया जाता है। वचन को, बीज को अपने हृदय में संभाल के रखना और उसको इस्तेमाल करना, ये हर एक का खुद का फैसला है। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये जो नियम आपने सीखा है बाइबल का, जेनेसिस से रेवलेशन में कोई भी चमत्कार को देखिए, उधर एक चीज़ सच्चाई है, मनुष्य पहले शब्द बोलता है। बोलो बोलो, मनुष्य सबसे पहले शब्द बोलता है, उसके बाद पवित्र आत्मा कार्य करता है। ऐसा किधर भी नहीं लिखा है मनुष्य ने मुंह नहीं खोला और चमत्कार हुआ, पूरे बाइबल में नहीं है। कोई बोलेगा लेकिन यीशु ने भी चमत्कार किया, लेकिन मुंह खोला पहले और चमत्कार किया। लेकिन ये स्त्री के टाइम प्रभु यीशु ने मुंह नहीं खोला, सही है प्रभु यीशु ने मुंह नहीं खोला, लेकिन उसके विश्वासी ने मुंह खोला और चमत्कार हुआ। आपका सबसे बड़ा हथियार है आपका मुंह, और इस मुंह से अगर 10-1000 शब्द निकलता है, आपको टोटल मानना है रात को सोने के पहले मैंने कितने शब्द बोले हैं, हकीकत के, मुसीबत के, दर्द के, और कितने शब्द मैंने बाइबल के खिलाफ बोले हैं, और कितने शब्द मैंने बोले हैं बाइबल के अनुसार। एक उदाहरण देता हूँ, आप जाके बैठ जाइए, एक उदाहरण देता हूँ। हम बोलते हैं ए प्रभु मुझे आशीर्वाद दे दो। अरे भाई मुझे मालूम है आपका टाइम हो गया है, 5 मिनट देना। क्या हम बोलते हैं ए प्रभु मुझे आशीर्वाद दे दो? अभी सब ने फैसला किया बात ही नहीं करेंगे। ये जाने वाला लाइव, लोग बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश के लोग बहुत टाइम के पक्के हैं। समय हो गया हम हमारा मुंह बंद रखेंगे, लेकिन जब शैतान ठोकेगा ना उसके पास समय नहीं है। वो दिन में भी ठोकता है, रात को भी ठोकता है, और दिन भर ठोकता है। जब घर में मुसीबत आएगी ना वो वक्त लेके नहीं आती है, कभी भी आती है। मैंने पूछा क्या आपने कभी ऐसे प्रार्थना की है ए प्रभु मुझे चंगा कर दो? किया कि नहीं? अरे किया कि नहीं? अब ये प्रार्थना आपके लिए कार्य करेगी कि आपके खिलाफ कार्य करेगी? आपके लिए ना। आप बाइबल खोलिए और पढ़िए 1 पेत्रुस 2:24, 1 पीटर 2:24। ऐसे हम कई उदाहरण देंगे जहाँ हमारी प्रार्थना गलत होती है, हमारा विश्वास गलत होता है। वन पीटर 2:24 पढ़िए, फ्लोरी पढ़ना, सब साथ में मिलकर बोलेंगे। उसी के मार खाने से तुम चंगे, और हम क्या बोल रहे हैं? हम चंगे। बोलो बोलो बोलो, आधा में रुको मत, क्या बोल रहे हैं? ए प्रभु मुझे चंगा कर दे। दोनों में फर्क है सिस्टर जी, बोलिए। जो बाइबल में लिखा है उनके घावों से हम भले चंगे हो गए। चलो आज हम आपको उदाहरण देते हैं, आप घर जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं। घर जाने के बाद एक ही होमवर्क करना, ये जो लिखा है ना बोलिए प्रभु हमारे से गलती हो गई, अब हमको सत्य समझ में आया। हम यही बोलेंगे धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घावों से हम भले चंगे हो गए।
अब ये जो शब्द बोल रहा है, मैं मेरे मन से बोल रहा है कि मेरे हृदय से बोल रहा है? मन से जब बोलता है मेरे पांच इंद्रियों के अनुसार बोलता है। मन से तो मुझे दिख रहा है मैं चंगा होने वाला हूँ, मन से बोल रहा है ए प्रभु मुझे चंगा कर दे क्योंकि मुझे बीमारी अनुभव हो रहा है। लेकिन जो हृदय से बोल रहा है वो बोल रहा है प्रभु तो वचन में लिखा है आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया है। अगर आप बोलते हो मैं भला चंगा हो गया है वो सत्य है, जब मैं बोलता हूँ आप मुझे भला चंगा कर दो वो हकीकत है। हकीकत और सच्चाई में ये फर्क है, हकीकत हमेशा बदलता है, हकीकत हमेशा टेम्प्रेरी है, लेकिन सच्चाई जो बाइबल में है वो कल आज और हमेशा के लिए एक है। जो व्यक्ति सत्य को इस्तेमाल करता है अपने जीवन में दिन और रात, उस व्यक्ति में कितना भी भले तकलीफ आता है लेकिन वो उसी सच्चाई पर ध्यान देता है, उसी सच्चाई को बोलता है, उसी सच्चाई से जीता है, तो उसके जीवन में वही कार्य होता है चमत्कार का। जब तक आपके मुंह से सच्चाई नहीं निकलती है, हकीकत की प्रार्थना होती है, उस हकीकत के प्रार्थना में दम नहीं है। लेकिन कोई बोलेगा यार लेकिन मेरे जीवन में मैंने ऐसा प्रार्थना किया था और मेरा प्रभु ने मेरे को चंगा कर दिया, वो जो चंगाई मिली ना वो प्रभु की दया है, विश्वास नहीं है प्रभु पर। अभी अगर आप कोई दूसरे जात वाले को लेके आएंगे वो इधर बैठेगा, उसको बाइबल के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसकी चंगाई पहली होती है। क्यों होती है? प्रभु की दया से होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है फिर प्रभु ये नहीं चाहता कि हम बच्चे ही रहे, हम विश्वास में आगे बढ़ना है, इसीलिए प्रभु हमको विश्वास सिखाता है। तो अभी हम है ना, कितने लोगों को चंगाई चाहिए जाने के पहले हाथ उठाइए, नहीं जिसको चाहिए हाथ उठाइए ना। ओ ब्लैक टी शर्ट वाली है ना उससे मैं बात कर रहा था, आप आइए इधर ब्लैक शर्ट वाली। अरे ब्लैक ही है ना, मेरे चश्मे में तो ब्लैक दिख रहा है। ये हमारी लीडर है, ये अभी हमको सबको वचन दोहराएगी। आइए आइए, किसकी चंगाई चाहिए आपको? आपको चंगाई चाहिए? हाँ खुद को। या किसके बारे में? मेरे लिए। आपके लिए? लेकिन किस किस चीज़ में? ओ, ओ. पूरा शरीर दर्द। हाँ पूरा शरीर दर्द कर रहा है, ठीक है। ये माइक पकड़ेगी, और अभी ये खाली एक ही बात बोलेगी, धन्यवाद प्रभु यीशु आपके गांव से मैं चंगी हो गई है। लेकिन ये बोलने के समय इनके शरीर में जहाँ कहीं भी तकलीफ है, इनके शरीर में जहाँ कहीं भी तकलीफ है वही तकलीफ उनको प्रभु के क्रूस पर उनके शरीर पे घाव हुआ है वो देखना है, वो अनुभव करना है। और उसी तरह आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं आपको भी यही करना है। हम सिर्फ 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट के बाद हम आपको पूछेंगे जो जो उस वचन को लेकर बोलता है शब्द, पवित्र आत्मा कार्य करना चालू करता है। भले ये बीमारी कितने कितने साल की है? ये बचपन से। कितने साल हो गए? 80 तो नहीं हुए ना? 33 ईयर्स। आप लोग हंसते हैं तभी आँख बंद करके हंसते हैं, क्यों? मैं दिखता है क्या? आँख बंद करके भी दिखता है? इसका आँख बंद होता है फादर, देखिए इसका आँख बंद होता है, दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? अच्छा ये बताइए कितने है? नहीं नहीं हंसते हुए, हंसते हुए सच्ची में दिखता है यार, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को बार कभी, मैं ये सोच रहा था एक दिन मैं पूछूंगा, पूछने का मौका भी मिल गया, प्रेज़ गॉड। अभी अभी आपको आँख बंद करना है, ऐसा भी बंद ही है लेकिन आँख बंद करना है। हम आपको आँख क्यों बंद करने बोलते हैं? एक ही कारण के लिए, जब हम आँख खोलते हैं तो हम हकीकत को देखते हैं, जब हम आँख को बंद करते हैं हकीकत से हटते हैं और जो वचन में लिखा है उस पर ध्यान लेकर प्रभु से बात करते हैं। चलिए बात करेंगे, और आप लोग भी सब मिलकर आपके अंदर जो भी बीमारी है
उसके लिए आप भी वचन को बोलेंगे। एक बात है, हम प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे कि प्रभु हमको चंगाई दो, हम सिर्फ ये बात तक करेंगे जो वचन में लिखा है। अब आपके उदाहरण में ये बहन है इधर, जिनके पूरे बदन में दर्द हो रहा है, सिर्फ ये बात करना है जो वचन में लिखा है, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि कितना आसानी से चमत्कार होता है। आँख बंद कीजिए सब लोग और बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी अभी मैंने पढ़ा, अभी अभी मैंने पढ़ा, आपके घावों से, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, मैं भला चंगा हो गया, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था, ये सत्य, ये सत्य मेरा विश्वास, मेरा विश्वास मेरे हकीकत पर था, मेरे हकीकत पर था, मेरे शरीर में, मेरे शरीर में मैं अनुभव कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ दर्द, दर्द बीमारी, बीमारी, लेकिन सत्य कहता है, लेकिन सत्य कहता है आपके घावों से, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, मैं भला चंगा हो गया, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु आपका सत्य, आपका सत्य हर हकीकत पर आक्रमण करता है, हर हकीकत पर आक्रमण करता है, हर हकीकत पर, हर हकीकत पर आक्रमण करता है, आक्रमण करता है और बदल देता है, और बदल देता है सच्चाई सत्य के अनुसार, सत्य के अनुसार हकीकत को बदलते हुए, हकीकत को बदलते हुए चंगाई ले आता है, चंगाई ले आता है। मैं यह अनुभव करना चाहता हूँ, मैं यह अनुभव करना चाहता हूँ, अपने हृदय से विश्वास करता हूँ, अपने हृदय से विश्वास करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आपके घावों से, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, मैं भला चंगा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, आपके घावों से मैं भला चंगा, सब मिलकर बोलेंगे हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, आपके घावों से मैं भला चंगा हूँ, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मैं भला चंगा हो गया हूँ, मैं भला चंगा हूँ, सब मिलकर प्रभु यीशु के नाम से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, बोलो प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, बोलते जाइए प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया, बोलते जाइए प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा, क्रूस की ओर देखकर बोलिए, अपने विश्वास के नज़रों से देखिए कि प्रभु यीशु क्रूस पर है और उनके सामने आप खड़े हैं और आप बोल रहे हैं ए प्रभु यीशु आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घाव, बोलते जाइए बोलते जाइए, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, बोलते जाइए यीशु के घाव से मैं भला चंगा, हर प्रकार की बीमारी का नाश हो रहा है, बोलते जाइए भला चंगा हो गया, जी हाँ प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा, हर बीमारी का नाश हो रहा है, यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, पवित्र आत्मा महान कार्य कर रहा है, भला चंगा हो गया, जिस तरह परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए उसी तरह इस जगह पर आप जब बोल रहे हैं वही चमत्कार हो रहा है, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया हूँ, बोलते जाइए शब्द कार्य कर रहा है, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, आपके मुंह से आया हुआ शब्द प्रभु की सामर्थ भे रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, आप बोलिए
ठीक है, आप खोलिए, अभी आप देखिए, चेक करिए, सब ठीक हो गया, पैर, कमर थोड़ा है, वापस बोलते जाइए, बोले बोले प्रभु यीशु के घाव से, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया। सब खड़े रखे बोलेंगे, सब खड़े रखे बोलेंगे, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया। अभी देखिए, बचपन से था, कितना समय लगा, बहुत समय लगा, लेकिन अभी चमत्कार पाने के लिए कितना समय लगा, अभी फाइव मिनट्स। तो ये ऐसा ही पूरा बाइबल है ना, प्रभु के वचनों से भरा हुआ है। अभी जो लोग खड़े हैं जिनको चंगाई की जरूरत थी, दो मिनट और हम बोलेंगे, ये बहन बोलेगी, और बाद में आप चेक करना, आप सब पहले चंगे होंगे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का नियम है, ये प्रभु के राज्य का नियम है। दो मिनट और बोलेंगे, बोलिए, ताकि ये सब लोग ठीक हो जाएंगे। प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी जो लोग खड़े हैं जिनको बीमारी थी, जिनको दर्द था, हाथ उठाइए, जिनको दर्द था। अरे अभी तो बहुत लोग खड़े थे, कितने लोगों ने अनुभव किया है कि ये दर्द निकल गया है? लड़के लोग के साइड में जी, अभी निकल गया लड़के लोग के साइड में। सिस्टर जी, आपको हमने देखा था, आपने हाथ उठाया था, किस चीज़ के लिए? आप भी हाँ, हमने जो बदन के लिए, शरीर का अभी जो दर्द है उसके लिए नहीं मांगा। अच्छा, आत्मिक, अच्छा ठीक है, धन्यवाद देते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं। ये जो आपके राज्य का रहस्य आपने सिखाया है, इस रहस्य को लेकर लोग अपने घर जा रहे हैं। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह किसान ने जमीन में बीज बोए हैं, वैसे ही आपके आत्मिक बीज हर एक के हृदय में हमने बोया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि इस बीज को शैतान चुरा न ले जाए, बल्कि इस बीज को संभालते हुए, रोज़ धन्यवाद देते हुए, ये लोग याद करते करते अपने जीवन में आपके वचनों को इस्तेमाल करें, ताकि जब हमारी मुलाकात होगी, अवश्य होगी, और जिस पर ये मुलाकात होगी उस समय हम खुद देखेंगे कि जो ज़मीन में हमने बीज बोए थे आज बड़े पेड़ हो गए हैं, फल से भरे हुए हैं, और उनके जीवन में आपने बहुत भलाई कर दी है, और वे लोग अभी जाकर दूसरों को सिखा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं ये आशीष के लिए, ये चमत्कार के लिए, ये कार्य के लिए, खास करके फादर आनंद और फादर नीलेश, जिन्होंने हमको यहाँ पर आमंत्रण दिया है, जिसके द्वारा हमको मौका मिला है, किसान बनकर आकर बीज बोने का मौका दिया है, और यही हमारी प्रार्थना है कि ये बीज को संभालते हुए, पानी डालते हुए, बढ़ाते हुए, हर एक के जीवन में आपका फसल उगता है, भरपूर उगा है, ये हमारा विश्वास है स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से।
आमीन। माता मरियम, आप हमारे साथ हैं, जिस तरह एंजल गैब्रियल ने आपको भी शब्द दिया, आपने संभाला और उसी शब्द से प्रभु यीशु को इस संसार में लाया। आपके द्वारा हम भी सीख रहे हैं कैसे आपने हर समस्या का सामना किया, लेकिन टूटी नहीं, विश्वास से खड़ी हो गई। इसी तरह हमको भी सिखाइए और आपको देखकर हम सीखना चाहते हैं, आपके बेटे का शिष्य बनना चाहते हैं, जिससे आपके बेटे का हर कार्य हम कर सकें जो हमें दिया गया है। ये हमारा विश्वास है कि हमारी प्रार्थना स्वर्ग पिता आपने सुन ली, प्रभु यीशु के नाम से आमेन आमेन और आमेन। प्रभु यीशु का चिन्ह, इन द नेम ऑफ द फादर द सन एंड द होली स्पिरिट।